जैसा कि हम जानते हैं कि डेटा लिंक प्रोटोकॉल जो हैं वो लिंक मैनेजमेंट के लिए यूज किए जाते हैं, और जब भी हम बात करते हैं डेटा लिंक प्रोटोकॉल्स की तो हम उन्हें दो मेजर क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, एक असिंक्रोनस और दूसरा सिंक्रोनस। सिंक्रोनस और असिंक्रोनस दो अलग अलग क्लासेस में आप इन्हें डिवाइड कर सकते हैं, और असिंक्रोनस और सिंक्रोनस में मेन जैसे कि नाम में ही फर्क है, असिंक्रोनस जो है विदाउट एनी सिंक्रोनाइजेशन है, देर इज नो नीड ऑफ सिंक्रोनाइजेशन इन केस ऑफ असिंक्रोनस प्रोटोकॉल्स, वाइल इन केस ऑफ सिंक्रोनस प्रोटोकॉल यहाँ पर आपको सिंक्रोनाइजेशन पहले जरूरी है। इन बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर आप पहले सिंक्रोनाइज करेंगे डेटा को, बिट्स को, और फिर उसके बाद अपना एक्चुअल डेटा हम ट्रांसमिट करेंगे। जब हम असिंक्रोनस प्रोटोकॉल्स के बारे में बात करते हैं तो ये मेनली मॉडेम्स में यूज होते हैं। मॉडेम्स, मॉडेम जैसे कि जो बनाई दो नाम से, सबसे पहले जब हम बात कर रहे थे पीसीज को अगर हम टेलीफोन लाइंस पे कनेक्ट करते हैं, जब हमारे पर्सनल कंप्यूटर से कंप्यूटर्स को हम टेलीफोन लाइन पे कनेक्ट करते हैं, तो क्योंकि हमारी टेलीफोन लाइंस जो हैं वो बेसिकली वॉइस कम्युनिकेशन के लिए बनाई गई है, और अगर हम उन्हीं टेलीफोन लाइन जो कि वॉइस कम्युनिकेशन के लिए डिजाइंड है उनको अगर हम यूज करना चाहते हैं डेटा के लिए, तो हमें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें ऐसे डिवाइसेस जिन्हें हम मॉडेम्स कहते हैं जो कि कॉम्बिनेशन है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का, इन्हें हमें यूज़ करना पड़ेगा। और मॉडेम दोनों ही एंड पे लगेगा, दोनों ही एंड पे मतलब सेंडर एंड पे भी लगेगा और रिसीवर एंड पे भी लगेगा। जब हम सेंडर एंड की बात करें तो सेंडर क्या करेगा, मॉड्यूलेट करेगा, और उस समय रिसीवर क्या करेगा, डीमॉड्यूलेट करेगा। उल्टा प्रोसेस होगा, जब अगर यहाँ से भेजा जाएगा कुछ डेटा सो वहाँ पर जो है सेंडर डीमॉड्यूलेट करके सिग्नल या डेटा जो है वो कंसिडर करेगा। सो दिस मॉडेम कम्युनिकेशन ओवर द टेलीफोन्स लाइन फॉर द पीसीज इज जनरली असिंक्रोनस मोड ऑफ कम्युनिकेशन। सो जब डेटा लिंक लेयर अगर हम टेलीफोन लाइंस के कम्युनिकेशन के लिए लिंक मैनेजमेंट या लिंक कम्युनिकेशन के प्रोटोकॉल्स के बारे में बात करते हैं, सो दोज ऑल प्रोटोकॉल्स आर असिंक्रोनस प्रोटोकॉल्स। दीज असिंक्रोनस प्रोटोकॉल्स हैव अ वेरी स्पेशल फीचर कि एक तो ये बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं, बहुत ईजी है इनका कम्युनिकेशन। सेकेंडली दीज आर नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स, बहुत ही आसान है। आसान इस तरीके से अगर हमारे पास मान लेते हैं कि दो पीसीज हैं जो कि सेंडर रिसीवर है, एक सेंडर है एक रिसीवर है, सो एवरी टाइम वेन एवर डेटा हैज टू बी ट्रांसमिटेड द डेटा मस्ट बी एडेड विद सम एक्स्ट्रा बिट्स। ये एक्स्ट्रा बिट्स यूज की जाएगी, उन एक्स्ट्रा बिट्स में एक स्टार्ट में लगा दी जाएगी और एक एंड में लगा दी जाएगी। सो इन्हें स्टार्ट एंड स्टॉप बिट कहते हैं, स्टार्ट बिट एंड स्टॉप बिट। दीज आर टू जस्ट शो द रिसीवर दैट दिस इज द स्टार्ट ऑफ द फ्रेम और स्टार्ट ऑफ द डेटा एंड दैट इज द एंड ऑफ द डेटा, एंड दैट्स वाई इट्स वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड। जब भी हम किसी कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे कि सेंडर और रिसीवर के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन होगा तो यहाँ असिंक्रोनस मोड में नहीं होगा, सिर्फ स्टार्ट और स्टॉप ऑफ जो डेटा है वो आपको सेंडिंग एंड से स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट के फॉर्म में एक्स्ट्रा बिट ऐड करके बनाना है, फ्रेम जनरेट करनी है और फिर रिसीवर को भेज देना है। एंड द रिसीवर ओनली हैज टू और नीड टू आइडेंटिफाई ओनली द स्टार्ट बिट एंड द स्टॉप बिट बिफोर द डेटा स्टार्ट बिट एंड एट द एंड ऑफ द डेटा इज स्टॉप बिट। नाउ जनरली ये जो ट्रांसमिशन होगा कैरेक्टर बाई कैरेक्टर भी हो सकता है, कैरेक्टर वन कैरेक्टर टू। एंड असिंक्रोनस मोड में एक सबसे स्पेशल चीज ये है कि जो कैरेक्टर है वो उनके बीच में भी कुछ गैप प्रोवाइड किया जाएगा एंड दिस गैप में ऑल्सो बी वेरिएबल। सो दिस इज वेरिएबल गैप विच मस्ट बी प्रोवाइडेड इन बिटवीन द कैरेक्टर्स, कैरेक्टर वन कैरेक्टर टू के बीच में जो गैप है वो भी कैसा होगा, वेरिएबल लेंथ का या वेरिएबल गैप यहाँ पे प्रोड्यूस किया जा सकता है। सो दीज आर ऑल बेसिक फीचर ऑफ असिंक्रोनस डेटा लिंक प्रोटोकॉल्स वेयर एनी सेंडर कैन स्टार्ट ट्रांसमिटिंग एंड रिसीवर नीड्स ओनली टू फाइंड आउट द स्टार्ट बिट एंड द स्टॉप बिट। एक्स्ट्रा बिट्स आर यूज एज ए स्टार्ट एंड स्टॉप बिट टू आइडेंटिफाई द स्टार्ट ऑफ द डेटा एंड एंड ऑफ द डेटा एंड दीज आर यूज और जनरली अप्लाइड फॉर मॉडेम्स। नाउ देर आर फ्यू टाइप्स ऑफ असिंक्रोनस डेटा लिंक प्रोटोकॉल विच आर अवेलेबल विच मे बी एक्स मॉडेम, वाई मॉडेम, जेड मॉडेम, इट मे बी ब्लास्ट और कर्मिट एंड अदर्स।
देर आर अदर प्रोटोकॉल्स ऑल्सो विच आर अवेलेबल अलॉन्ग विद दिस. इनके अलावा और भी प्रोटोकॉल्स जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है. सो लेट स्टार्ट विद द एक्स मॉडेम. इन एक्स मॉडेम विच इज गिवन बाय वॉट क्रिश्चनसन इन 1979, ये प्रोटोकॉल जो है यूज किया जाता है ताकि दो पीसीज जो है टेलीफोन लाइन के ऊपर कम्युनिकेट कर सके. बेसिकली मॉडेम के लिए बनाया गया है. इसमें जो स्पेशलिटी है वो है कि ये एक्स मॉडेम जो है वो हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन है. हाफ डुप्लेक्स इट मीन्स ओनली वन टर्मिनल कैन ट्रांसमिट एट अ टाइम. ये सिंगल डायरेक्शन एट अ टाइम. ये सेंडर है, ये रिसीवर है. नेक्स्ट टाइम इट मे बी सेंडर, इट मे बी रिसीवर, बट फ्लो ऑफ डेटा विल बी ओनली इन वन डायरेक्शन. इस तरीके से चलेगा. साथ ही साथ हाफ डुप्लेक्स के साथ ही साथ ये एक स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल यूज करता है. स्टॉप एंड वेट ARQ. व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉप एंड वेट ARQ? मतलब हम एक बार में एक फ्रेम अगर ट्रांसमिट करेंगे तो हम दूसरी फ्रेम तब तक ट्रांसमिट नहीं करेंगे जब तक कि उसका एक्नोलॉजमेंट ना आ जाए. एंड सो द नेक्स्ट फ्रेम एंड द एक्नोलॉजमेंट एंड नेक्स्ट फ्रेम एंड द एक्नोलॉजमेंट. इन दिस वे द कम्युनिकेशन गोज ऑन इन बिटवीन दीज टू मॉडेम, जो कि एक सेंटर पे है और एक रिसीवर पे. एवरी टाइम जब हम एक्स मॉडेम के बारे में बात करते हैं सो इसका एक पर्टिकुलर फ्रेम फॉर्मेट है. इस फ्रेम फॉर्मेट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि यहाँ पे जब हमें यहाँ सेंडर से रिसीवर पे भेज रहे हैं तो उसमें सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आएगी टू इंडिकेट द रिसीवर दैट दिस इज द स्टार्ट ऑफ हेडर. यहाँ पर स्टार्ट ऑफ हेडर आता है. ये वन बाइट इंफॉर्मेशन है जो कि इंक्लूड की जाएगी. पर्टिकुलर फ्रेम अगर आपको बनानी है तो डेटा के पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन डालनी है और उस इन्फॉर्मेशन को हम हेडर में डालेंगे. और उस हेडर के पहले भी, क्योंकि यह सिंक्रोनस कम्युनिकेशन है, यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, तो आपको एक कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट या पर्टिकुलर कैरेक्टर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, सो दैट द रिसीवर वंस इट विल रिसीव दैट कि ये क्या है, स्टार्ट ऑफ हेडर है. एंड देन द टू बाइट हेडर, फिर एक टू बाइट हेडर आप ट्रांसमिट कर सकते हैं. एंड देन डेटा, और ये डेटा जो है 128 बाइट का होगा. और लास्ट में आपको, क्योंकि फिर से वही बात है कि आप एक नॉइजी चैनल पे अगर आप ट्रांसमिट कर रहे हैं सो वी नीड टू कंट्रोल एरर. सो फॉर एरर स्पेसिफिकेशन यहाँ पर CRC भी ऐड किया जाएगा. नाउ व्हाई दीज टू हेडर्स? यहाँ पे आपने दो स्लॉट या दो वाइट हेडर के लिए दिए हैं. स्टार्ट ऑफ हेडर के बाद दो हेडर जो है वो ये आइडेंटिफाई करें, ये दे रहे. एक तो सीक्वेंस नंबर होगा कि डेटा की फ्रेम में कौन सा सीक्वेंस है. एंड द सेकेंड इज जस्ट टू चेक दिस सीक्वेंस नंबर. एंड दैट्स वाई द सीक्वेंस नंबर का जो भी वंस कॉम्प्लीमेंट होगा वो इसमें आएगा. द वंस कॉम्प्लीमेंट विल बी प्लेस्ड हियर. इस वाले ब्लॉक में उसका वंस कॉम्प्लीमेंट प्लेस किया जाएगा जस्ट फॉर द चेकिंग पर्पज कि जो हम पूरा का पूरा सीक्वेंस भेज रहे हैं वो सही है कि नहीं. अगर ये यहीं पर गड़बड़ होगा सो फिर रिट्रांसमिशन के लिए कोशिश की जाएगी. बट बिफोर दैट ये सीक्वेंस नंबर और इसका वेरिफिकेशन इसका सेकंड वाला कैरेक्टर है. देन डेटा 128 बाइट का डेटा है और लास्ट में CRC. CRC इज साइक्लिक रिडंडेंसी चेक एंड विच इज वेरी इसेंशियल क्योंकि हम एरर को चेक करना चाहते हैं विद इन द डेटा फ्रेम. तो यहाँ पे CRC ऐड किया जाएगा. इफ देर इज एरर इन दिस होल डेटा सो दिस होल फ्रेम विल नॉट बी कंसिडर्ड. इसको रखा नहीं जाएगा क्योंकि एक स्टॉप एंड विट ARQ सिस्टम है. तो यहाँ से एक NAK जनरेट होगा. रिसीवर कैन जनरेट एन NAK एंड द सेंडर बाय द प्रेजेंस ऑफ NAK फाइंड आउट कि जो मैंने भेजी थी फ्रेम वो एरर थी और उसको वो क्या करेगा, रिट्रांसमिट करेगा. दिस इज व्हाई वी आर यूजिंग स्टॉप एंड वेट ARQ. मतलब हर एक पर्टिकुलर फ्रेम का आपको एक्नोलॉजमेंट मिलना जरूरी है और वो एक्नोलॉजमेंट निगेटिव भी हो सकता है अगर फ्रेम डैमेज होगी. और रिसीवर कैसे फाइंड आउट करेगा कि फ्रेम डैमेज होगी? तो वो CRC के थ्रू ये चीज फाइंड आउट कर सकता है कि ये जो भी डेटा हमने भेजा उसमें एरर थी. नाउ बिफोर द ट्रांसमिशन हम कोई भी एक डेटा फ्रेम भेजना चाह रहे हैं सो एवरी टाइम जब भी आप सेंडर से रिसीवर को कुछ डेटा भेजना चाहते हैं तो द सेंडर शुड गेट एन NAK सिग्नल. NAK सिग्नल विच इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द स्टार्ट. क्या आप स्टार्ट कर सकते हैं? इनिशियलाइजेशन के लिए यूज कर सकते हैं. NAK यूज कर सकते हैं इनिशियलाइजेशन के लिए. ACK यूज कर सकते हैं पॉजिटिव एक्नोलॉजमेंट, सेम एज जो हम पहले स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में देखते आए. एंड देर इज वन मोर टाइप ऑफ फ्रेम और वन मोर टाइप ऑफ सिग्नलिंग विच कैन बी यूज एंड दिस इज नोन एज स्कैन. इट मीन्स एबॉर्ट ट्रांसमिशन, ये भी यूज की जा सकती है. इट मीन्स रिसीवर कैन सेंड कैन
टू द सेंडर टू अबॉर्ट द ट्रांसमिशन. सो दिस इज हाउ द एक्स मॉडेम इज यूजिंग हाफ डुप्लेक्स एंड स्टॉप एंड वेट ARQ टू कम्युनिकेट इन बिटवीन टू मॉडेम्स. असिंक्रोनस में जैसा एक्स मॉडेम है उसी तरीके से एक और है प्रोटोकॉल है वाई मॉडेम. अब वाई मॉडेम जो है वो बिल्कुल एक्स मॉडेम की तरह है, मतलब उसका फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा का वैसा ही जैसा एक्स मॉडेम में है. जैसे कि स्टार्ट ऑफ हेडर, दो आपके हेडर कैरेक्टर्स हैं, डेटा है और फिर आपका CRC. लेकिन जो डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है, जो पहला डिफरेंस है, अगर आप वाई मॉडेम में देखें तो उसका जो डेटा बिट है, जो डेटा का लेंथ है वो ज़्यादा है. यहाँ 1024 बाइट्स जो है कंसिडर किया गया है, जबकि एक्स मॉडेम में 128 बाइट्स ही कंसिडर्ड है. जो CRC है वो यहाँ CRC16 को यूज़ किया गया है. और जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पर मल्टीपल फाइल्स भी साथ ही साथ ट्रांसमिट की जा सकती है. इन केस ऑफ एक्स मॉडेम ये पॉसिबल नहीं है कि आप मल्टीपल फाइल्स ट्रांसमिट करें. सो दीज आर द 3 बेसिक डिफरेंस. अदरवाइज वाई मॉडेम इज सेम एज दैट ऑफ द एक्स मॉडेम. अदर देन वाई मॉडेम देर इज वन मोर प्रोटोकॉल विच इज अवेलेबल एंड विच इज नोन एज जेड मॉडेम. द जेड मॉडेम इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन, और इसके फीचर्स जो है जेड मॉडेम के वो कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स मॉडेम और वाई मॉडेम को मिलाकर बनाए गए. दोनों को मिलाकर यहाँ पर एक जेड मॉडेम क्रिएट किया गया है. नेक्स्ट इज ब्लास्ट. ब्लास्ट इज ब्लॉक्ड असिंक्रोनस ट्रांसमिशन, दैट इज नोन एज ब्लास्ट. ये सिमिलर टू एक्स मॉडेम है और उसमें एक जो फीचर है या जो ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि ब्लास्ट जो है, अगर हम ब्लास्ट की बात करें, सो ब्लास्ट इज अ फुल डुप्लेक्स. पहली चीज की इट इज अ फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन. एट द सेम टाइम इट इज यूजिंग स्लाइडिंग विंडो फ्लो कंट्रोल. नाउ इट इज यूजिंग फुल डुप्लेक्स मोड एज वेल एज स्लाइडिंग विंडो, सो इट विल हैव एन अपर हैंड. एंड द स्पीड, अगर आप स्पीड के कंपेरिजन में बात करेंगे, सो ब्लास्ट विल बी मोर फास्टर एज कम्पेयर टू एक्स मॉडेम, क्योंकि फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन है. यहाँ पे आप डेटा फाइल्स भी भेज सकते हैं और बाइनरी फाइल्स, जैसा कि हम जेड मॉडेम में भेज सकते हैं, वैसे कि वैसे यहाँ पे ब्लास्ट में भी आप बाइनरी फाइल्स को भी ट्रांसमिट कर सकते हैं. एंड द लास्ट वन ऑफ असिंक्रोनस डेटा लिंक प्रोटोकॉल इज कर्मिट. कर्मिट जो है वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में डिजाइंड है, और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में डिजाइंड होने के साथ ही साथ ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्रोटोकॉल है. दिस प्रोटोकॉल इज द वाइडली यूज प्रोटोकॉल, सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, क्योंकि इसमें कुछ फीचर्स जो है वो स्पेशल एडेड है. जैसे कि अगर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर, कंट्रोल कैरेक्टर के बारे में बात करें, क्योंकि कंट्रोल कैरेक्टर भी यहाँ पे ट्रांसमिट किया जा सकते हैं, और वो जो कंट्रोल कैरेक्टर है दोज आर फॉर द लिंक मैनेजमेंट, उनको भी यहाँ पर हम ट्रांसमिट कर सकते हैं फ्रॉम द सेंडर एंड टू द रिसीवर एंड. नाउ सिमिलर टू एक्स मॉडेम, जैसा कि एक्स मॉडेम में एक NA के रिक्वायर्ड होता है सेंडर को, अगर वो ट्रांसमिट करना चाहता है कोई भी डेटा, इन दिस ऑल्सो कर्मिट में भी एक NAK की रिक्वायरमेंट है कि एक NAK सिग्नल जब तक नहीं आएगा सो इट विल नॉट ट्रांसमिट द डेटा फ्रेम्स. और ये कंट्रोल जो कैरेक्टर है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उन्हें हमको यहाँ पर भेजना है अगर, तो कैसे भेजना है, तो इन केस ऑफ कर्मिट वो जो है सबसे पहले दैट पर्टिकुलर कंट्रोल कैरेक्टर, क्योंकि हम यहाँ पर बाइनरी फाइल्स भी भेज सकते हैं. सो जो ये कंट्रोल कैरेक्टर है इसको हमको एक प्रिंटेबल कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है. फर्स्ट इट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू अ प्रिंटेबल कैरेक्टर बाय एडिंग. इसमें कैसे प्रिंटेबल कैरेक्टर में इसको तब्दील करेंगे, बाय एडिंग एन ASCII कोड इन दिस. इसमें एक ASCII कोड ऐड कर देंगे तो एक प्रिंटेबल कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा. इन केस अगर डेटा में आप प्रिंटेबल कैरेक्टर कहीं भेज रहे हैं कंट्रोल कैरेक्टर के फॉर्म में, सो यू नीड टू स्पेसिफाई द रिसीवर कि ये एक कंट्रोल कैरेक्टर है जो कि ट्रांसमिट किया जा रहा है. जस्ट टू स्पेसिफाई दैट हैश फंक्शन का या हैश फीचर का यूज किया जाता है, उस प्रिंटेबल कैरेक्टर के पहले ये हैश ऐड कर दिया जाता है इन बिटवीन अगर वो डेटा के आता है. तो यहाँ पे अगर जब जैसे ही रिसीवर के पास ये प्रिंटेबल कैरेक्टर के पहले हैश आता है तो इट विल ड्रॉप द हैश, पहले तो ये हैश को ड्रॉप कर देगा. एंड देन कंसिडर दैट दिस प्रिंटेबल जो कैरेक्टर आया इट इज़ अ कंट्रोल कैरेक्टर, दिस इज ऑल्सो नोन एज अ प्रोटोकॉल कैरेक्टर. ये एक प्रोटोकॉल कैरेक्टर है, इसको अलग टाइप से यूज करना है. एंड इफ अगर सेंडर हैश ही ट्रांसमिट करना चाहता है, पूरे डेटा में कहीं हैश भी आ सकता है, इट्स नॉट नेसेसरी ऑलवेज कि हैश नहीं आएगा, तो अगर हैश आ जाएगा सो डबल हैश भेजा जाएगा. इन केस अगर डबल हैश भेजा गया रिसीवर एंड पे,
तो वो पहले वाले हैश को कंसिडर कर लेगा कि जो दो हैश आए इसमें से एक हैश जो है वो आपके डेटा का पार्ट है और इसे क्या करना है, ड्रॉप करना है. सो दिस इज हाउ दीज ऑल असिंक्रोनस, सारे के सारे जो असिंक्रोनस प्रोटोकॉल है, चाहे एक्स मॉडेम से लेके कर्मिट तक के सारे के सारे जो यूज किए जाते हैं, उनका बेसिक फ्रेम स्ट्रक्चर सबका सेम है. और फ्रेम स्ट्रक्चर सेम होने के साथ साथ इसमें रिक्वायरमेंट है कि आपको डेटा को स्पेसिफाई करने के लिए एक स्टार्ट स्टॉप बिट का यूज करना है और ये असिंक्रोनस मोड में होगा. इट मीन्स देर इज नो नीड टू टेल द रिसीवर पहले सिंक्रोनाइजेशन नहीं करना है, डायरेक्टली डेटा सेंड करना है. नो नीड कि पहले सिंक्रोनाइजेशन बिट्स भेजी जाए. वंस द रिसीवर विल बी सिंक्रोनाइज विद द सेंडर देन ओनली आगे की प्रोसेस होगी. डायरेक्ट डेटा भेजा जाएगा स्टार्ट स्टॉप बिट के साथ और रिसीवर विल एक्सेप्ट द डेटा. इट विल फर्स्ट चेक द स्टार्ट बिट एंड लास्टली स्टॉप बिट और उस डेटा को कंसिडर कर लेगा. एंड दैट्स वाई दीज आर वेरी ईजी, लेस कॉम्प्लेक्स और बहुत ही सिंपल टाइप के मॉडेम के लिए बनाए गए प्रोटोकॉल्स हैं जो डेटा लिंक लेयर यूज करता है.